लग रही जोरों की भूख, खाते हैं खाना। और फ्रेंड अगर आप लोग देखिएगा मैंने आज क्या बनाया है तो प्लीज़ आप लोग भी आकर खा लीजिएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग भी आइएगा खा लीजिएगा खाना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया कर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मैंने क्या बनाया है, ये मेरी थाली है, तरुई की सब्जी, रायता और चावल। और अभी रोटी लेंगे फिर जाएंगे खाने के लिए। चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं खाने के बाद और आगे बातचीत करते हैं। सभी का वेलकम है मेरी चैनल में राम बेटी ब्लॉग में। मैं तो वेलकम करना पहले भूल ही गई थी, तो प्लीज़ देखिए मैं यहाँ पे कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े धुलने के बाद अभी इसमें जो है कुछ कपड़े रह गए थे तभी धुलूँगी। और ये देखो कपड़े पानी से निकाल रही थी, सिर्फ ब्रश से रगड़ चुकी थी, पानी से निकाल निकाल के टांग रही थी ऊपर। और टांगने के बाद ये देखिए, और मैं यहीं पे कपड़े धुलती हूँ, यहीं पे नहाती हूँ, हम लोग सब लोग नहाते हैं यहीं पे। और जो है ये बाथरूम तो बना है बिल्कुल सामने ही इसके, लेकिन हमने उसमें हम लोग नहीं नहाते हैं, काफ़ी गर्मी लगती है उसमें, तो हम लोग खुले में ही नहाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, कोई रहता तो है ही नहीं। कपड़े धुलने के बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना बेड शीट और इसकी क्लीनिंग करूँगी बेड की। काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाता है और इसको डस्ट को क्लीन करने के लिए थोड़ा जो है गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा। गीले कपड़े से इसको क्लीन करेंगे, पहले बिछा लेते हैं चादर को। और देखिए आप लोग कैसे बिछाते हो, हम थोड़ा नोट लगा लेते हैं, गांठ लगा लेते हैं चारों कोनों पे, तब बिछाते हैं तो ये निकलती नहीं है चादर। आप लोग भी ऐसे ही लगाया करिए चादर को, काफ़ी अच्छी रहती है। और देखिए ये हम लोगों ने ये चादर लगा रही थी, लेकिन ये चादर हमारी गलत लग गई थी तो हमने दोबारा लगाई थी। ये मेड़ा मेड़ा लग गई थी, खड़ी खड़ी लगाना चाहिए था मुझे। देखिए यहाँ पे हम चादर चेंज कर रहे हैं, मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं क्योंकि मैं ये सारा काम कर रही थी गीले पैर, मैं नंगे पैर आई थी, वो भी गीले पैर थे तो गर्दा लग गई थी, मैंने सफाई की थी कमरे की। तो देखिएगा ये मेरा जो है हमने यहाँ पर बेडशीट लगा दी है। ये देखिए लाइट कम ज़्यादा हो रही थी, डीप क्लीनिंग हो गई है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए साफ सुथरा लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है तो मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और देखिएगा ये पूरा लुक है बेड का। अभी मैंने तकिया नहीं लगाया, तकिया लगा लो फिर दिखाती हूँ आपको। फाइनल लुक ये है बेड का, देखिएगा ये देखिए। है आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। देखिए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा मेरा लुक के बेड का। बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्लिप मेरी कल की है, कल मैंने यानी शनिवार की क्लिप है, मैंने इसी में जोड़ दी है सुबह की। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, देखिए वो पोछा लगा रही हूँ उसी कमरे में। पूरे घर में मैं कैसे सुबह का पोछा करती हूँ इसी तरह करती हूँ। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो आप लोग अगर ये काम साथ साथ ही करते रहते हैं तो बिल्कुल गंदगी नहीं होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड
देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। अब मैं किचन में आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। ये देखिए, और जैसा लगता है कि मैं उल्टे हाथ से लगा रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उल्टे हाथ से नहीं लगा रही हूँ, मैं सीधे हाथ से ही लगा रही हूँ, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है कैमरे से कि मैं उल्टे हाथ से लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा किचन एकदम चमक गया है। इस टोकरी में जो है मैं लहसुन और प्याज आलू रखती हूँ। और ये देखिए मैं आंगन में आ गई हूँ, यहाँ पे आंगन में पोछा लगाऊंगी। ये देखिए मैंने आंगन में पोछा लगा लिया है, आंगन में पोछा लग चुका है। देखिए फ्रेंड कितना साफ हो गया है। देखिए अब मैं जा रही हूँ कमरे में पोछा लगाने के लिए। बाहर वाला जो कमरा है उसमें, ये बाहर वाला रूम है, यहीं पे हम जो है इसको जो सोफ़ा की डस्टी भी करते जाएंगे और साथ साथ में इसको हम पोछा भी लगाते जाएंगे। ये वाला रूम जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि ये बाहर का रूम है। तो फ्रेंड देखिएगा ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं करूँगी धुलाई। ये देखिए मैं धुलाई कर रही हूँ यहाँ पे, और जो है धुलाई यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रूम में तो कर नहीं पाती, उसमें सामान काफ़ी ज़्यादा है, सोफ़ा है, बेड है, मशीन है, चप्पल जूते रैक है, सब कुछ है, तो इसीलिए नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड। तो मैं आगे जो है गाड़ी हट जाती है तो यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, धुलाई कर देती हूँ, तो गर्दा सारी निकल जाती है और रोज़ के रोज़ करना पड़ता है तभी गंदा नहीं होता है। ये देखिए मैं कर रही हूँ सफाई, यहाँ पर धुलाई हो गई हमारी, समझ लो सिर्फ आगे जो है उसको गेट को खोलेंगे। गेट को खोलने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उजाला आ जाता है, ये देखिए रोशनी आ जाती है। अब हम बाहर गए, पानी डाल देंगे। चींटी बहुत होती हैं लाल वाली, तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आप लोगों को चींटियों का कुछ समाधान पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। लाल वाली चींटी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं तो इनकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आगे दरवाजे पे भी होती हैं और ये जहाँ पे हम धुलाई कर रहे हैं यहाँ पर भी होती हैं चींटियाँ। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग ज़रूर बताइएगा इनसे हमें कैसे छुटकारा मिले, और ये लाल वाली चींटियों से, क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ की परेशानी है। छत पे जो हमारा पेड़ पौधे हैं ना उसमें भी बंदर बहुत आते हैं, क्या करें इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको काँच देंगे। ये देखिए पानी सुखा दिया है यहाँ पे। अब देखिए पोछा अच्छा लगा चुके हैं फ्रेंड, और ऋत्विक उठ गए हैं देखिए, और अभी ये ऋत्विक जब खेलेंगे तब हम नहाएंगे। हमारा पोछा लग चुका है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने पोछा लगा लिया है और ये ऋतिक उठ गए हैं। ऋतिक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देखिए ऋतिक बात कर रहा है। मैं बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तुम बोलो, तुम गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा रही हूँ नेविया क्रीम, ये मेरा डेली का मेकअप है। मैंने बिंदी पहले चिपका ली है इसलिए, क्योंकि अगर चिकना कुछ लग जाता है तो बिंदी नहीं लगती है।
रोज हम इसी तरह से तैयार होते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा तैयार होना अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए मुझे। और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़, अभी मैं जा रहे हैं अपना ब्लॉग एडिट करने, कल एडिट नहीं कर पाई थी तो मैंने डाला नहीं था, आज मैं एडिट करूँगी तो आज डालूँगी, और परसों डाला था, आज कल नहीं डाला था, तो मैं एडिट करने जा रही हूँ कुछ खा पी कर। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक है, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।